नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसमें मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए। पहला सवाल दोस्तों राहुल निषाद जी हैं, जो कहते हैं, सर आपकी काऊ की डिलीवरी के बाद हीफर को कैसे काऊ से दूर करते हैं और बिना हीफर के कैसे काऊ की मिल्किंग करते हैं। तो राहुल निषाद जी, देखें, सबसे शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि गाय को बच्चे से दूर करने की प्रक्रिया गाय के मानसिकता पर निर्भर करती है। तो ये हमारी देसी गायों पे और कुछ क्रॉस ब्रीड गायों पे नहीं लागू होती है। वो अपने बच्चे के बिना दूध आपको जल्दी कम करने लगेंगी, तो उनका बच्चा बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चे को गाय से हटाने की प्रक्रिया जो है वो HF के साथ ही है। और जितनी अच्छी वेल ब्रेड काऊ होगी, उतना जल्दी अपने बच्चों को आप उसे दूर कर सकते हैं। तो देखें, जब गाय को बच्चे को दूर करने का ऑप्शन है हमारे पास, तो उसमें दो तरीके हैं। एक पंजाब के कुछ अच्छे फार्मर हैं, वो ये भी करते हैं कि गाय का बच्चा पैदा करते ही गाय के बच्चे को बिल्कुल से तुरंत इमीडिएट अलग कर देते हैं। गाय को ये फीलिंग भी नहीं आ पाती कहाँ बच्चा कैसा बच्चा। तो एक तरीका वो है, और दूसरा तरीका है जो हम लोग अपने फार्म में फॉलो करते हैं, क्योंकि दो तीन साल तक पहले हमारा फार्म भी ऐसा था जिसमें हम लोग क्रॉस ब्रीड से धीरे धीरे बेहतर गायों की तरफ जा रहे थे। तो ऐसा लगता था कि एकदम से झटके से अलग करेंगे तो हो सकता है हम जान भी ना पाएँ गाय का कितना पोटेंशियल था, कितना दूध देती, हो सकता है पीक पे अपने पीक को पकड़ ही ना पाए हो। तो थोड़ा ये भ्रम बरकरार रहता था, इसलिए हम लोग बच्चे को रहने देते थे 10 दिन तक साथ में। जब देख लेते थे कि ठीक है, इतना मिल्क दे रही है, आइडिया लग रही है किस तरफ जा रही है, कैसे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके, वैसे भी 4-5 दिन तक तो अलग से ही मिल्किंग करनी पड़ती है, हैंड मिल्किंग मशीन मिल्किंग हो नहीं पाती सबके जब तक वो खींच रहती है, तो उस समय तक धीरे धीरे हम लोग देख लेते हैं गाय की मानसिकता। अगर गाय बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रही तो ग्रेजुअली करके हटा लेते हैं। और लेकिन गाय के साथ बच्चे को रखना ना रखना गाय की ब्रीड और मानसिकता पर निर्भर है दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग अगला सवाल ले रहे हैं, साजिद शेख जी कह हैं, वो जय हिंद कह रहे हैं। जय हिंद साजिद शेख जी। सर, कुछ जानकारी काऊ सेंसर बेल्ट के बारे में भी दीजिए ताकि डेयरी फार्म बिल्कुल ईजी हो जाए। तो देखें दोस्तों, क्या है कि जो काऊ सेंसर बेल्ट की बात है, मैं इसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कम फार्मों के ऊपर लागू होता है। बहुत बड़े फार्म हो जहाँ, क्योंकि काऊ सेंसर बेल्ट जो है एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, हर गाय को सेंसर लगते हैं। अभी तक तो 4-5 हज़ार के एक सेंसर आ रहे थे हर गाय पे लगेंगे, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि उसको रीड करेगा, फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जाएगा। तो है तो बहुत अच्छा, वो आपको ये बता लेता है, जैसे गाय, अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, बल्कि नहीं होगा तो मैं इसका सवाल का जवाब किसी एक वीडियो में ले लूँगा, वो लंबा हो सकता है। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, वो तो आप कितना जुगाली कर रहा है आपका पशु, कितना चल रहा है, कम ज़्यादा चल रहा है, उसे सारी आइडिया लगा लेते हैं। जैसे मानिए कि वो कम चल रहा है तो बीमार हो सकता है, लेकिन और ज़्यादा चल रहा है तो हीट में हो सकता है, तो ये सब सेंसर डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन कम चल रहा है और जुगाली भी नहीं कर रहा है तो पक्का बीमार है। तो इस तरह का डिटेक्शन दोस्तों उससे हो जाता है, और तो इसको कभी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। दोस्तों, अगला सवाल है, अनीस शिवकोटी जी हैं जो पूछ रहे हैं, सर क्यूबिकल में फ़ायदा है या फिर खुले में, प्लीज़ बताइए। देखिए अनीस जी और मित्रों भी समझें, देखें क्या है कि फ़ायदा तो हमेशा गाय को जितना आप खुला रख सकिए उतने में है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको अभी कुछ विजुअल दिखा दूंगा इस बात का जिक्र करने के बीच में, आप देख लीजिए विजुअल और ये देखिए, इसको समझ लीजिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यही बात कर रहा था मैं, अब कैसा कितनी जगह दी हुई है। अगर आपको क्यूबिकल नहीं बनाना है तो इस तरह की जगह आपको देनी पड़ जाएगी। ये फ़ोटो मुझे साउथ इंडिया के कुछ डेयरी फार्म का है, संदीप रैना साहब हैं वैनसन के मालिक, उन्होंने मुझे शेयर किया था ये, तो उनका कुछ इस पर प्रोजेक्ट रहा होगा इस डेयरी फार्म पे, उन्होंने मुझे फ़ोटो शेयर की थी जब बात हो रही थी क्यूबिकल बनाना चाहिए। देखें, संदीप रैना साहब क्यूबिकल बनाते हैं, क्यूबिकल सेल करते हैं, तभी उन्होंने सजेस्ट किया था कि सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप देखिए राइट साइड में, देखिए इस फोटो में भीतर पक्का है, पक्का के बाद जो बाहर एरिया है वो कितनी चौड़ाई ली हुई है, इतनी चौड़ाई अगर हम लोग दे पाएंगे, ये 150-170 फीट चौड़े बनाने पड़ जाते हैं शेड। हमारा शेड इतना चौड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, वो केवल 80 फीट का है दोस्तों। तो इतनी ज़्यादा चौड़ाई बनानी पड़ेगी तब जाके आप क्यूबिकल से मुक्ति पा पाएंगे। आप सोचेंगे कि 10-20 फीट में चौड़ाई में गाय को बैठने को छोड़ दें, वो बिल्कुल कीचड़ ही रहेगा, वो कुछ नहीं हो सकता है। तो अब देखें कितने सुकून में यहाँ गाय बैठ सकती है। और इसके साथ एक और है, ये सुकून सुबह शाम इसको 2 बार इसको जोतना पड़ता है दोस्तों। तो इसको जो है हमें सुबह शाम 2 बार
इसकी जुताई करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे कीचड़ होना शुरू होता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। मेरा इसका फर्स्ट हैंड अनुभव नहीं है, हम लोग तो क्यूबिकल में ही कर रहे हैं, लेकिन रैना साहब से बात हो रही थी तो जिक्र कर रहे थे कि इसको कम से कम 2 बार प्लोइंग करने का इंतजाम करना पड़ेगा हमें। देखें कैसे जुते हुए बिल्कुल से दिख रहे हैं, फर्स्ट क्लास ये। तो यही मसला है दोस्तों। तो आशा है मैं अपनी बातें आपको विजुअल के थ्रू दिखा पाया, मेरे पास ये कुछ फ़ोटो उनकी भेजी हुई थी तो आपको दिखा दिया, और अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे इसके बारे में क्या करना है। तो लगभग बातें तो क्लियर हो ही गई दोस्तों कि हमें क्यूबिकल मजबूरी में बनाते हैं, क्यूबिकल बनेगा तो शेड की चौड़ाई कम रख सकते हैं, और अगर क्यूबिकल नहीं बनाएंगे तो शेड इसी तरह के चौड़े बनाने पड़ जाएंगे दोस्तों। देखें ध्यान से, तो दोस्तों जैसे देखा हम लोगों ने कि गाय हमेशा खुले में रहना पसंद करेगी, लेकिन क्या है कि जब हमको खुले में गाय को रखना है शेड के भीतर, तो हमें बहुत बड़ी एरिया में, जैसे आपने इस पिक्चर में भी देखा होगा, मैं दिखा जो पिक्चर आपको दिखाई है, इसमें भी गाय को बहुत ज़्यादा एरिया देनी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ जाता है वो शेड, बहुत ज़्यादा चौड़ाई रखनी पड़ती है। हम लोगों की शेड की चौड़ाई अभी शायद 80 फीट के आसपास है, और इस प्रक्रिया में एक मतलब ऑलमोस्ट 150 फीट के शेड चौड़ाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप जितनी गाय रखते हैं उतनी गायों को अगर आप क्यूबिकल नहीं बनाओगे जिसमें गाय सीधे बैठे और सीधे वापस आए, अगर आप सीधा केवल क्यूबिकल हटा के उनको मिट्टी रखना चाहोगे शेड के भीतर जहाँ धूप नहीं आती है, तो वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल कीचड़ हो जाएगा, थोड़ा कीचड़ होगा तो पैर और धंसेगा, फिर और कीचड़ हो जाएगा, तो वो संभव ही नहीं हो पाता गाय वहाँ बैठ पाए, गाय चल पाए। तो दोस्तों क्या मसला है कि क्यूबिकल मजबूरी का नाम है, अगर आप बहुत ज़्यादा शेड में खर्चे नहीं कर पा रहे हैं, एक लिमिट तक ही खर्चे होंगे, या तो 150 फीट चौड़े शेड बन जाएंगे, गायों को बहुत जगह मिल जाएगी, डेंसिटी कम रहेगी, वो कीचड़ नहीं होगा, गाय चल जाएगी, आपको सुबह शाम जोतना पड़ता है उसको, ट्रैक्टर से सुबह शाम जुताइयाँ करनी पड़ती है, नहीं तो वो कीचड़ होना ही होना है, इसीलिए क्यूबिकल बनाए जाते हैं दोस्तों। एक थोड़ा क्यूबिकल की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन शेड की कॉस्ट काफ़ी घट जाती है फिर चौड़ाई, इसीलिए बनता है। आकाश चौहान जी हैं, वो फिर वही बात हो रही है, बफेलो फार्मिंग अच्छी या काऊ फार्मिंग अच्छी, काऊ मिल्क का प्राइस 35 रुपये है, बफेलो मिल्क का 50 रुपये है। तो देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वही पशु रखो जिसका दूध आपसे बिक रहा है, लेकिन देखें यहाँ बात थोड़ी सी अलग है, मैं इसको फिर ले रहा हूँ। आकाश जी ये कह रहे हैं काऊ मिल्क का प्राइस 35 रुपये है, बफेलो मिल्क का 50 रुपये है, लेकिन दूध की क्वांटिटी भी तो देखिए, आपको 50 रुपये जहाँ मिलेगा और जहाँ 35 रुपये मिलेगा, बात एक ही आएगी, भैंस का दूध भी 50 रुपये में बेच के बहुत ज़्यादा वायबिलिटी नहीं आने वाली है, क्योंकि भैंस का दूध कम होता है, दूध जल्दी छूटेगा भैंस में। तो अगर आपका कहीं पर मान लीजिए कि गाय का दूध नहीं बिक पा रहा है और भैंस का बिक रहा है, वो तो बात अलग है, वहाँ तो भैंस ही पालेंगे, लेकिन अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि केवल गाय का दूध हमारा 35 रुपये का बिक रहा है, भैंस का 50 बिक रहा है, तो भैंस का दूध महंगा पैदा भी तो हो रहा है आकाश जी, तो इसको भी ध्यान करना पड़ेगा, ये जोड़ घटाव भी लगाना ही पड़ेगा फार्मर को। तो दोस्तों इस सवाल जवाब का सेशन अब हम लोग यहीं एंड करते हैं, और अब आगे आपके सवाल अगले वीडियो में लेते हैं, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक शेयर करते चलें, और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।